नए साल में ऐसा क्या करें कि साल 2023 बन जाए आपके लिए बेहतरीन, मिले मनचाही सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी। कैसा रहने वाला है 2023 आपके लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर रश्मि मिगलानी। रश्मि एस्ट्रो के साथ साथ टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग और रेकी हीलर भी हैं। एक्सपर्ट्स हैं वो इन तमाम विधाओं की और साथ ही वो एक एकेडमिशियन भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि आपका हमारे खास शो इट्स डिफरेंट विद आरजेके में। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। तो आइए शुरुआत करते हैं बगैर कोई वक्त गंवाए रश्मि के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस साल में उनके लिए क्या कुछ है। रश्मि, साल 2023 कैसा रहने वाला है? आमतौर पर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उत्साहित रहते हैं, इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हलचल हो सकती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऋचा फॉर इनवाइटिंग मी एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग मी टॉक अबाउट दिस न्यू ईयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2023, यूजुअली कोई भी न्यू ईयर एक स्टार्ट होता है, हर किसी की लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं, कुछ प्लानिंग्स के साथ वो लोग चलते हैं, कुछ पॉइंट्स वो बात करते हैं कि हम इन पॉइंट्स पे काम करेंगे ताकि हमें आगे प्रॉस्पेरिटी मिले, हमें सक्सेस ज़्यादा मिले। एक जील होता है काम करने के लिए, एक एक्साइटमेंट होती है। सो बट अनफॉर्चुनेटली इस साल वो चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। यू नो यूजुअली हर साल जैसे हर कोई एक दूसरे को कॉल करके न्यू ईयर विश करता है। I was also getting many calls on New Year and they wished me a very very happy New Year. But unki conversation ke first part ka tha wish karna. Second part unki conversation mein tha ki can you please look into our horoscope. So I was like little you know I was not surprised. Mujhe bilkul bhi hairani nahi hui because I was expecting wo kyun puchna cha rahe hain. Kyunki ye number hamara 2023 hai. ये एक सीक्रेट नंबर है जिसके लिए मैं आपके थोड़ी देर बाद में बात करूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनका क्वेश्चन था आप प्लीज हमारा हॉरोस्कोप देख के बताएंगे कि क्यों हमारा काम साल के पहले महीने पहले हफ्ते में ही नहीं लग रहा, क्यों हमारा काम में जाने का मन नहीं कर रहा, क्यों हमारा काम में मन बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, कोई एनर्जी लेवल्स नहीं है, बिल्कुल हम लोग एक न्यू ईयर को एक जैसे वो एक्साइटमेंट थी वो एक्साइटमेंट मिसिंग है। एक नया जो फर्स्ट जनवरी ही था फर्स्ट डे फर्स्ट फर्स्ट दिस 2023 का, उसमें भी हम लोग एक यूजुअल एक कैजुअल डे की तरह हम उठे और हमारा दिन स्टार्ट हुआ। वो रादर इनफैक्ट ऑन इट वाज ऑन अ डाउनफॉल बेसिस, थोड़ा एनर्जी लेवल्स कम थे, डिसइंटरेस्ट था हमारा, हमें लगा कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मे बी यू नो दे थॉट इट वाज अ संडे एंड मंडे से चीज़ें ठीक होंगी। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीता गया चीज़ें और ज़्यादा लो होती गई, उनका मन काम में और कम लगने लगा और चीज़ें बिल्कुल एक एनर्जी लेवल जैसे कहते हैं डिप्लीट हो जाना कम हो गई उनकी। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, आई वाजंट सरप्राइज्ड, इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल दिस। प्लीज एंड आई विल शेयर विद यू शॉर्टली। डेफिनेटली आपने हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है रश्मि कि ऐसा क्या है साल 2023 में जिसकी वजह से लोग कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग जैसा आप बता रहे हैं कि आपको डिस्ट्रेस कॉल्स भी कर रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि इस साल ये सब डिफरेंट हो क्यों रहा है। व्हाट इज दैट सीक्रेट अबाउट 2023? लेट्स स्पिल द बीन्स। या सी 2023 यानी कि इफ यू एड अप द डिजिट्स यू गेट 2+0+2+3। अगर इन सारे डिजिट्स को हम ऐड करें इसका टोटल आता है नंबर 7। नंबर 7 का अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज केतु। अब केतु कैसा प्लैनेट है, कैसा नेचर है उसका, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आध्यात्म की तरफ है बट उसके नेगेटिव साइड की बात करें अगर हम, वो एक लेजीनेस क्रिएट करता है इंसान के नेचर में। वो चीज़ें जैसे सपोज हमें कोई चीज़ चाहिए हम उसके लिए काम करते हैं तो आपके में वो नेचर को वो सप्रेस करेगा, आपको वो एक कैलस एटीट्यूड एक कैजुअल एटीट्यूड आपके अंदर लेके आएगा, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी ये काम होना है जब टाइम आएगा हो जाएगा। तो इन अ वे आपकी लाइफ में थोड़ी सी आपके नेचर में थोड़ी सी लेजीनेस लेके आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में केतु के बारे में आपसे शेयर करूँगी, जो मेजरली कॉल्स आ रही थी मेरे पास जो लोग ज़्यादा परेशान थे जिनका काम में मन ज़्यादा नहीं लग रहा जिनको थोड़ी सी लेजीनेस ज़्यादा लग रही थी,
दे वर नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड, उनका स्पिरिचुअलिटी में भगवान में ना के बराबर विश्वास था, क्योंकि ये नंबर 7 है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है. अगर आप इस नंबर से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आपकी वाइब्स, आपकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं करेंगी, रेजोनेट नहीं करेंगी, तो आपकी लाइफ में टर्बुलेंस ज़रूर आएगी. सो अब आपने ध्यान रखना है. अब आप नेक्स्ट हम बात करेंगे, शॉर्टली बात करेंगे हम इस वीडियो तक, कंटिन्यू रहिए लास्ट तक. हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या बेसिकली करना चाहिए ताकि जो आपकी लाइफ में टर्बुलेंस है, जो डिस्टर्बेंस है, जो लेजीनेस है, वो जल्दी से कैसे खत्म हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे. तो रश्मि ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, वो बहुत सारी टिप्स लेकर आई हैं अपने साथ और वो हर नंबर के बारे में बताने वाली हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ रहे 2023 में. तो बने रहिए हमारे साथ. रश्मि, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, यानी जो ईश्वर या भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आपके एक्सपीरियंस में. एग्जैक्टली जी, तो आप बताना चाहेंगी कि 2023 में ऐसे लोग भी हैं कुछ जिनको बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल, आर देयर एनी सेट ऑफ पीपल फॉर होम 2023 इज गोइंग टू बी अ फैबुलस ईयर? सी, अगर किसी चीज की नेगेटिव चीज होती है तो इसकी पॉजिटिव साइड भी होती है. अगर कुछ कैटेगरी के लोग को नुकसान होगा, बेनिफिट कम होगा, तो डेफिनेटली एक कैटेगरी ऑफ लोग जरूर होगा जिनको बेनिफिट ज्यादा होगा, जिनको जिन्होंने जो उनके पास्ट लाइफ कर्माज हैं, जो उनका नेचर है, उनको वो बेनिफिट वो लोग कैसे करेंगे. सो एज आई सेड, केतु जो है हमारा न्यूरोलॉजी नंबर 7 है और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, अध्यात्म से कनेक्टेड है. तो जो भी लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हैं, भगवान में विश्वास ज्यादा रखते हैं, भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं. अब एक्टिविटीज रिलेटेड भगवान से ज्यादा का ये मतलब नहीं है कि आई डोंट वॉन्ट कि अपना आप घर बार छोड़ के आप हिमालयस पर बैठ जाइए, नथिंग लाइक दैट. भगवान से कनेक्टेड रहने का मतलब है लाइक यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, योर इंटेंशंस आर राइट, यू आर डूइंग गुड टू एवरीबडी इंक्लूडिंग योर सेल्फ. अब आप इनलाइटमेंट की बात करें, अगर सपोज आपके में कोई वीकनेस है, सपोज मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे में सपोज गुस्सा ज्यादा है, तो इस साल अगर मैं अपनी वीकनेस पे, अपने गुस्से पे काम करूंगी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन, मैं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो जाऊंगी. स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अगर हम एज अ लेमैन टू एवरीबडी इन जनरल की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ. अपनी वीकनेस पे काम करें, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करें, ताकि हम उसको अपने लिए भी बेनिफिशियल हो, हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल है. अब जो केतु की एनर्जी है, केतु की एनर्जी बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा, नंबर 7 है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है. तो जो भी अगर हम एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे हम अपनी बिजनेस पे जा रहे हैं, सपोज अपनी शॉप पर जा रहे हैं, शॉप पर मॉर्निंग में जाके हमने थोड़ी सी धूप बत्ती की, दिया जलाया, एक छोटी सी प्रार्थना भी की, हमने क्या किया, हमने अपनी एनर्जी को केतु के साथ रेजोनेट किया. जब भी हमारी एनर्जी केतु के साथ रेजोनेट होगी, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होगी, केतु हमारे लिए पिलर की तरह खड़ा रहेगा, हमारे साथ हर सर्कमस्टेंस में हमेशा हमारे साथ साथ खड़ा रहेगा. चाहे हम किसी प्रॉब्लम में हों, चाहे हम एंग्जाइटी में हों, चाहे स्ट्रेस में हों, हमें हमेशा एक एनर्जी देगा ताकि हम इस चैलेंज के साथ बड़े स्माइलिंग वे में, बिना किसी स्ट्रेस के बाहर निकल सकें, अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकें. सो फिर कुछ फील्ड ऐसे हैं, कुछ प्रोफेशंस, ये तो था नेचर कि कैसा नेचर लोग जो बेनिफिट करेंगे. फिर कुछ एक प्रोफेशन ऐसे हैं, कुछ एक करियर फील्ड ऐसे हैं जो लोग ज़्यादा बेनिफिट करेंगे. जो भी लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्री में हीलिंग करते हैं या उनका प्रोफेशन हीलिंग है, वो लोग, उनके लिए कमिंग ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उनकी एनर्जी नंबर 7 केतु के साथ रेजोनेट करेगी. जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगेन व्हाट इज देयर नेचर, इट इज गिविंग, यू नो, इन अ वे इट इज स्पिरिचुअलिटी ओनली. जब आप कुछ कोई काम ऐसा कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, सामने वाले के लिए कर रहे हो, that is again spirituality. So also people related to giving service to others, like जैसे आपने doctors की बात की, तो जो भी service से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की सेवा करने में जुड़े हुए हैं, या फिर मानते हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो वो भी इस category में आ सकते हैं. Exactly. So एक ये है, in a way, you know, जो भी हम काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, अब COVID time में देखा होगा डॉक्टर्स अपनी लाइफ रिस्क पर डाल के उन्होंने कितना एफर्ट के साथ पेशेंट्स को ट्रीट किया,
उनका क्या इंटरेस्ट था, वो नहीं भी काम करते तो भी दे वुड हैव गॉट द सैलरी, दे वुड हैव पेड, बट देयर आर पीपल हु वर्क लाइक एनीथिंग एंड दे बेनिफिटेड. तो दे यू विल सी ग्रेजुअली कमिंग ईयर इज गोइंग टू पे देम ऑफ, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर देम. जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो लोग टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एंशियंट साइंसेस से, स्क्रिप्चर्स से, मंत्रा चैंटिंग से, उनके लिए कमिंग ईयर बहुत ही अच्छे जाने वाला है. सिंपली द सेम रीजन, उनकी एनर्जी रेजोनेट करेगी नंबर सेवन से. नंबर सेवन क्या है, अगेन स्पिरिचुअलिटी, अगेन यू नो द एनर्जी ऑफ गिविंग, एनर्जी ऑफ रिसीविंग, एनर्जी ऑफ सेल्फ सर्विस, एनर्जी ऑफ सेल्फलेस लव आई वुड से. सो फॉर दैट is going to be very very good, amazing, it will be a blessing in this year. Wonderful. ये अच्छा लग रहा है सुन के कि कुछ लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा भी होने वाला है, लेकिन जिनके लिए ये साल अच्छा नहीं शुरू हुआ है और जो नॉन बिलीवर्स हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्हें आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि वो क्या करें जिससे कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएं और उनके लिए ये साल कुछ बेहतर हो? एनी सजेशन? राइट, सपोज रिचा आप कभी आप स्ट्रीट फूड आप खाते हो, आपको लगता है मुझे ये स्ट्रीट फूड खा के मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भी आप खा लेते हो, एंड देन यू नो मेडिसिन एंड देन यू आर परफेक्टली ऑल राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आपकी तबीयत खराब हुई, आपको पता था ये मुझे ये काम करने से मेरे को प्रॉब्लम आएगी, आपने मेडिसिन खाई तो आप ठीक हो गए. मेडिसिन क्या है, एक तरह की छोटी सी रेमेडी है आपके लिए, आपकी लाइफ नॉर्मलाइज करने के लिए. ठीक है, सपोज कोई एक नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड है, हो सकता है उनका रीजन कोई जेन्युइन रीजन हो, सपोज किसी की लाइफ में एक मेजर ट्रेजेडी हुई हो और वो बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर हो गॉड में, और उसकी लाइफ में कुछ ऐसी इतनी मेजर ट्रेजेडी हुई कि उसका विश्वास भगवान से बिल्कुल उठ गया. ही इज़ राइट ऑन हिज पार्ट, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट इस साल कुछ ऐसा मैजिक होगा कि उनका इंटरेस्ट जो है कुछ उनको एक ऐसे एक्सपीरियंसेस एनकाउंटर करेंगे कि उनका जो है इंटरेस्ट सडनली इन सब चीज़ों में डेवलप होना शुरू हो जाएगा. अगर डेवलप नहीं हुआ, इवन इफ वो अगर अपने एल्डर्स का, अपने गुरुज का, या जो पीपल स्पिरिचुअलिटी में है, अब पीपल स्पिरिचुअलिटी में मेरा ये मतलब नहीं है आप बड़े बड़े गुरुज के पास जाइए, उनके आगे माथा टेकिए, उनको डोनेशन दीजिए, नो. एनीबडी हु बिलीव्स इन गॉड, एनीबडी who you know respect spirituality, उनसे मेरा मतलब, अगर आप spirituality में believe करते हैं, अगर आपके पास कोई आके अच्छी तरह से बात करता है, so they will benefit out of it. जो लोग मतलब the message is कि they should not mock at spirituality, अगर उन्होंने appreciate किया, उसको accept किया, तो they are going to. Thirdly, so first I said is that automatically उनका inclination होगा, अगर automatically नहीं होता, अगर वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे अपने एल्डर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने गुरुज का, अपने टीचर्स का भी, तो भी उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी. थर्डली हम बात करेंगे, अगर वो कोई एंशियंट आर्ट, जैसे कि कोई मंत्र जाप की नॉलेज को सीखना शुरू कर दें, या कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दें, न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू कर दें, टैरो सीख लें, कोई भी एक ऑल्टरनेटिव साइंसेज जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, अगर उसको सीखना शुरू करेंगे तो भी उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे. नंबर सेवन की एनर्जी उसकी उनकी लाइफ में पॉजिटिव होके रेजोनेट करेगी और जो उनका नेचर था वो ग्रेजुअली चेंज होगा और उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी. दिस इज अनदर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इज इवन इफ दे विल वॉच एनी वीडियोज, लाइक हमारा ये वीडियो भी अगर कोई देख रहा है, सो दैट इज coincidence, the universe has planned, it is a, this again is a planning, the universe has planned that this person will be watching this particular video and will be benefiting. Aur last mein sabse zyada important hai, jaise humne kaha ye spirituality ka year hai, to agar hum thoda sa spiritual hoke ek line ki agar hum chanting, agar hum numerology year 7 ketu se related karenge, to bhi usse jo non believers hain wo benefit karenge. वो चैंटिंग है ओम केम केतवे नमः. ये चैंटिंग आप इजीली यूट्यूब पे टाइप करके करेक्ट प्रोनंसिएशन सुन सकते हैं, और खाली सुनना नहीं है, आपने ये चैंटिंग मुंह से बोल के उसकी एनर्जी को फील करना है, और जैसे ही आप एनर्जी फील करेंगे, आप अपना पाम, जैसे आप सपोज ये चैंटिंग बोल रहे हैं, आप अपना हाथ की अपनी पाम की इनर साइड अपने स्टमक पे, अपने नेवल पे रखिए, आपको एक ग्रेजुअल एक एनर्जी सी फील होगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, यस आई एम फीलिंग गुड आफ्टर डूइंग दिस चैंटिंग. तो इस मोटिवेशन से आपको किसी जबरदस्ती या किसी के
फोर्स में या प्रेशर में या मेरे कहने से आप ये चैंटिंग नहीं करेंगे. बिकॉज यू आर फीलिंग गुड यू विल डू दिस चैंटिंग एंड इफ यू विल डू इट विदाउट यू नो विदाउट एनी प्रेशर यू विल बेनिफिट मोर. तो बहुत सारी टिप्स रश्मि दे रही हैं उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा उनके लिए शुरू नहीं हुआ है या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रखते. रश्मि एक बात और, ये नंबर 7 का ईयर है तो नंबर 7 से जुड़ने वाले या फ्रेंडली नंबर्स को भी फायदा होगा क्या? बिल्कुल बहुत फायदा होगा. जो फ्रेंडली नंबर्स हैं नंबर 7 के उनमें ऑटोमेटिकली नंबर 7 अपनी पॉजिटिव एनर्जी देगा और जो अनफ्रेंडली नंबर 7 के उनकी नेगेटिव एनर्जी देगा नंबर 7. तो जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी फ्रेंड के घर आप जाते हो तो यू विल फील kind of a welcome, you will feel good, you will get a positive energy, a positive vibe when you are visiting there. Similarly, अगर suppose आपको ना चाहते हुए भी अपने किसी ऐसे इंसान के पास जाना है जिससे आपकी गलती नहीं है, किसी काम से भी probably जाना है, तो आपको उतनी positive energy नहीं मिलेगी, positive vibration नहीं मिलेगी. So you will be a little uncomfortable and even your friend will be uncomfortable. So this is what it makes sense. अगर आपकी energy match करती है, आप friendly हैं दोनों, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, आपकी वाइब्स मैच करेंगी, बोथ ऑफ यू विल बी कंफर्टेबल. एंड अगर एनर्जी मैच नहीं करेगी तो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. राइट, तो हम ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, कैसे पता चले कि किसका नंबर क्या है? यहाँ पर रश्मि से जानते हैं. रश्मि, नंबर्स के बेसिस पर हम इस ईयर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं नंबर 7 को लेकर, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि किस तरह से लोग अपनी नंबर्स को निकालें और कैसे जाने कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? फर्स्टली मैं बात करूंगी, सपोज हम अगर मैं नंबर 1 की बात कर रही हूँ तो नंबर 1 वाले वो लोग होंगे जो किसी भी महीने की या तो फर्स्ट या 10th या 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं. आई रिपीट, फर्स्ट नंबर 10 की अगर डेट ऑफ बर्थ 10 की बात करें, 10 मींस व्हाट, 1 प्लस 0 व्हिच इज 1. 19 की अगर बात करें, 1 प्लस 9 इज 10, दैट इज अगेन 1 प्लस 0 इज फिर नंबर 1 आ रहा है. अगर 28 की बात करें, इट इज 2 प्लस 8 दैट इज 10 व्हिच इज अगेन 1 प्लस 0 व्हिच इज 1. तो आपकी बर्थ की डिजिट खाली आपके जन्म की तारीख को अगर आप टोटल करेंगे, अगर इस तारीख को टोटल करने से केवल नंबर 1 आ रहा है तब आप नंबर 1 की कैटेगरी में फॉल करेंगे. सिमिलरली नंबर 2 की बात करते हैं, अगर आपका नंबर 2 की अगर मैं बात करूँगी, नंबर 2 के वो वाले लोग होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के या तो 2 तारीख को आता है या 11 तारीख को आता है या 20 तारीख को आता है या 29th को आता है. यानी कि अगर आप अपनी बर्थ के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो वो टोटल जो है नंबर 2 आना चाहिए. सिमिलरली नंबर 3 की बात करेंगे, नंबर 3 में हम बात करेंगे, नंबर 3 में वो लोग कैटेगरी में आएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या 30 है. और नंबर 4 में वो लोग आएंगे जिनका बर्थ डेट जो है नंबर 4th है, 13th है और 22nd है या 31st है. सिमिलरली नंबर 5 में, नंबर 5 में वो लोग आएंगे 5, देन 14, 23 एंड सो ऑन. नंबर 6 में वो लोग आएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6th, देन 15th, then 24th and that's it. And number 7 में आपके आएंगे वो लोग जिनका birth date है 7th हो गया, 7 हो गया, number 16 हो गया, then 25th of any month. Number 8 में वो लोग आएंगे जिनका birth date number 8 of any month है, number 17th है, number 26th of any month है. Number 9 में वो लोग आएंगे जिनका birth date number 9 है, number 18 है या number 27 है. तो ये तो थी numbers, मैंने आपको बता दिया है कि आपका कौन सा number आपका birth date का हो और उससे आप अपना number calculate कीजिए. आप number 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. तो हमारे व्यूअर्स, रश्मि हमारे व्यूअर्स अभी अपना नंबर निकाल लेते हैं कि उनका कौन सा नंबर है, क्योंकि हम उनको उनके नंबर के आधार पर उनकी ईयर प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं. और रश्मि बताने जा रही हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं टू मेक दिस ईयर बेटर फॉर देम. रश्मि, यहाँ पर इन तमाम नंबर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नंबर्स से कुछ नहीं होता, ये कोई साइंस नहीं है या ये कोई वैलिड थ्योरी नहीं है. कुछ आप इस पर कहना चाहेंगी आगे बढ़ने से पहले? जी बिल्कुल.
सपोज मैं बात करती हूँ आपकी रिचा कोई कोई फ्रेंड है ऐसे, लेट अस से नाम है सोनिया, सोनिया है उसका हस्बैंड है से हिज नेम इज आकाश, राइट। सोनिया इज हैविंग अ टफ टाइम इन हर रिलेशनशिप्स, पुराने कुछ पिछले कुछ सालों से उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस थी और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। सोनिया अपने हस्बैंड आकाश को ब्लेम करती थी, आकाश जो है अपनी वाइफ सोनिया को ब्लेम करता, तो ये ब्लेम गेम थ्रू आउट चलता रहा और इससे क्या हुआ, दोनों में से किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। वो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं क्वेश्चन मार्क की रहता रही। बट अगर हम बात करें कि जैसे मैंने कहा कि आप इस साइंस से बेनिफिट कर सकते हैं, सपोज सोनिया ने न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखा, सोनिया ने जब एस्ट्रोलॉजी सीखा उसने देखा कि उसके जो बर्थ चार्ट है, जो एक फोटोग्राफ है उसके एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, जो स्काई शॉट है उसमें उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी है। अगर सपोज उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस खराब है और शी नीड्स टू वर्क ऑन हर सेल्फ टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, she will surely look into it, she will start improvising herself, otherwise kya hota, wo akash pe blame dalti jati, akash us pe blame dalte jate aur wo life jo hai vicious circle ek pain mein hi rehti hai hamesha, aur agar wo sochti ki nahi meri life mein aisa hona hi hai, it is destined that this problem is there, then there will be a feeling of acceptance, she will accept that this is his nature and with his nature I have to continue my married life, so that blame stop there and then, she will be more enlightened कि किसकी प्रॉब्लम है, किसकी वजह से है। अगर उसकी वजह से है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेगी, अगर सामने की वजह से है तो सर्टनली यू कैनॉट चेंज एनीबडी, देर इज नो सोल्यूशन एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस। तो जहाँ उन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली उन्हों वो एनलाइटन हो गए, तो छोटी सी एक नॉलेज से उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव कर ली है। तो ऑल्सो रश्मि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नंबर्स हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये कुछ लोग रियलाइज करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, तो कुछ आप इस पर कहना चाहेंगी? देखिए कुछ नंबर्स आप, दिस अगेन इज इनटू एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि क्या चीज़ का टेस्ट बिटर है क्या चीज़ का स्वीट है, आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, आप उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, आप अपने व्यूज नहीं दे सकते। सो टू नो वेदर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट यू, you have to either you know watch these videos this type of videos on astrology on alternative sciences or numerology, ya aap us art ko seekhe, aap dekhiye aapko kitna benefit hota hai aur aap jab aap benefit karenge aap apne aap hi apni life apni improve kar payenge aur aap dekhenge ki aapko kitna benefit mil raha hai, then I am sure you are going to comment to me as well as to Richa ki thank you so much for guiding us in this particular field। आई होप कि इस वीडियो से हमारे दर्शकों को फ़ायदा हो और उन्हें कोई डायरेक्शन मिले, अगर ज़रूरत है उन्हें किसी डायरेक्शन की। तो आइए शुरू करते हैं रश्मि, कि 1 to 9 के लिए ये साल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और उनके लिए आप क्या टिप्स देने वाली हैं? देखिए नंबर वन की अगर हम बात करें, नंबर वन जो है, नंबर वन जैसे मैंने डेट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, नंबर वन इज़ बेसिकली यू नो अ नंबर ऑफ सन, जैसे सन शाइन करता है ऐसे लोग नंबर वन के लोग भी बहुत शाइन करते हैं, दे लाइक शाइनिंग स्टार्स, बहुत हाईली प्लेस्ड होते हैं और बहुत ही जिस भी फील्ड में ये लोग काम करते हैं हमेशा एक्सेल करते हैं, दे आर यूजुअली द टॉप लीडर्स ऑफ द कंपनी, यूजुअली द सीईओस, उनमें लीडरशिप एक स्किल होता है, जो चीज़ उनमें एक नेगेटिव ट्रेट होता है वो सिर्फ है उनका ईगो उनकी डोमिनेंस। तो नंबर सेवन और नंबर वन ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा अगर दो फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं तो साथ उनकी जर्नी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे नंबर सेवन है कमिंग आपका 2023 में, तो 2023 की जर्नी जो है नंबर वन वालों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है। तो केतु, जैसे मैंने कहा कि केतु एक प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, अनडाउटेडली दिस इज़ ट्रू, पर जो केतु का जो एक नेगेटिव ट्रेट भी है, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी है, वो ये थोड़ा सा लेजी है, कैलस एटीट्यूड है, वो कहता है ये काम हो जाएगा। तो जैसे नंबर वन वाले एक लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, उनको होता है कि फटाफट ऐसे ऐसे काम करो, डू दिस डू दैट डू दैट, तो वो कहीं ना कहीं उनका नेचर केतु जो है नंबर वन वो सप्रेस कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेजी नहीं होना, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको इसी एनर्जी के साथ आपने काम करते रहना है।
तो अगर आप इसी तरह से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट करेंगे। अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ विल बी फाइन दिस ईयर। आप कोई स्ट्रेस थोड़ा सा नंबर वन वाला वो यूजुअली रहता है, तो अपना मेंटल हेल्थ की थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखें। और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, एक ईगो जो वर्ड है, चाहे बहुत छोटा वर्ड है, अगर ये नंबर वन वाले इसको ईगो को अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे तो दे आर गोइंग टू हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स। सो बिसाइड्स दिस, सिंस मैंने जैसे कहा कि नंबर सेवन जो का ईयर है, ये 2023 स्पिरिचुअलिटी का ईयर है, अगर गॉड फॉरबिड कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं नंबर वन वाले लोग, इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। इन्होंने 10 मिनट के लिए मैक्सिमम किसी भी पोजीशन में, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आंखें बंद करके बैठ जाना है और अपने आसपास एक इमेजिन करनी है, एक ऑरेंजिश येलो कलर की लाइट उनकी थर्ड आई में एंटर कर रही है, यहाँ एंटर कर रही है, यहाँ पर आपको फील करना है एक ऑरेंज येलो कलर की, ऑरेंजिश येलो कलर की लाइट आपके थर्ड आई से एंटर कर रही है विथ क्लोज्ड आईज। आपने लाइट देखनी नहीं है, आपकी आंखें बंद हैं। जैसे ही आप इमेजिन करेंगे, आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं, आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन आपको दिखती जा रही है, आपको किस पाथ को फॉलो करना है वो पाथ की नॉलेज आपको होती जा रही है। बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो ट्राई टू गो विद इन इज व्हाट रश्मि इज टेलिंग, एंड उसका तरीका वो बता रही हैं। और यस, स्ट्रेस ना लें, ये तो हम सबके लिए वैलिड है। रश्मि, नंबर टू की तरफ बढ़ें। And believe me, before I proceed to number two, we'll add to this, when you will open your eyes, you will open your eyes with a smile. That is, there will be so much clarity, there will be so much peace that when you will open your eyes, you will actually feel there's a smile on your face. Right? So coming on to number two, jo hamara hai, number ye hamara moon se related hai, chandrama se related hai. Ab jitne bhi movie songs hamare bane hue hain, you know, it is more on moon. Chand se related hai. So number two people are quite on the romantic side, and since jo ketu ka nature hai wo distract karta hai aapko, to number two people ke liye main thoda sa word of advice dungi, be little careful about your emotions, don't get carried away, specially extra marital affairs se bache, kisi ke emotions mein, kisi ke bekaave mein na aaye. Bahut sensitive log hote hain, bahut intuitive hote hain, बहुत वर्क एल्कोहलिक होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बट जहाँ इमोशंस की बात आती है, दे गेट इजिली गेट कैरिड अवे। तो अदरवाइज 2023 इनके लिए काफ़ी अच्छे जाने वाला है। जो नंबर सेवन की एनर्जी है, इनको स्ट्रेंथ देगा, इनको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा, इनका करियर काफ़ी राइज करेगा, इनकी आउटपुट ज़्यादा होगी, तो फाइनेंसिस अपने आप ही ठीक रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर टू लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं, तो अगर ये लोग इनकी केतु की एनर्जी इनके साथ मिल जाएगी, तो इट विल गिव अ मीनिंग टू देयर रोमांस। सो इफ दे आर, यू नो, डेटिंग समबडी, सो दिस ईयर दे कैन एक्चुअली गिव अ कमिटमेंट टू देयर रिलेशनशिप, दे कैन फिक्स देयर मैरिज विद दैट पर्सन इन दिस ईयर एंड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। हेल्थ के लिए इनको थोड़ा सा, नंबर टू लोगों को खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है, सो बी वॉचफुल अबाउट कोल्ड एंड कफ एंड सम स्टमक रिलेटेड इशूज ऑल्सो। रेस्ट इज अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। और अगर गॉड फॉरबिड कुछ इनको इशू लगे, कुछ मूड स्विंग्स ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इनकी नेचर होती है स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी बात पे, तो कभी इनको लगे कि स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने क्या करना है, इनकी बॉडी के आसपास एक वाइट कलर की लाइट है, और वो वाइट कलर की लाइट जो है ग्रेजुअली उनके थर्ड आई में एंटर कर रही है। तो यही, जैसे मैंने नंबर वन के लिए कहा, आप क्लोज्ड आइज के साथ किसी भी पोस्चर में आप आराम से बैठ जाइए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए एक वाइट लाइट अपने आसपास आप इमेजिन कीजिए, और वो वाइट लाइट आपके यहाँ अंदर कर घुस रही है, आपके यहाँ थर्ड आई में एंटर कर रही है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आप गाइड ले सकते हैं, जिस भी डिविनिटी में आपका विश्वास है आप उनको ध्यान कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपको काफ़ी आंसर्स आपके मिलेंगे। दैट इज़ वेरी नाइस कि आप हेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप्स के बारे में भी बता रही हैं रश्मि, हर नंबर के बारे में, साथ ही करियर पर भी हम कुछ बात कर सकते हैं, अगर कुछ करियर की टिप्स भी आप देना चाहें। करियर में जैसे मैंने पहले कहा, आपको करियर विल बी वेरी गुड। ये करियर में इनको जो है नंबर सेवन जो है, इनको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इनको एनर्जी देगा, एक पिलर के साथ रहेगा, तो करियर फॉर दीज पीपल इज गोइंग टू बी वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है करियर में, दे विल राइज वेरी गुड।
ग्रेट ग्रेट, अच्छी मतलब अच्छी खबरें भी हैं कुछ बीच बीच, स्पार्कल ऑफ लाइट इन बिटवीन फॉर सम नंबर्स। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर खाली मूड होगा या खाली बैड होगा, डोंट यू थिंक द लाइफ विल बी वेरी बोरिंग, देयर विल बी नो एडवेंचर। राइट सो कुछ अच्छी चीज टेस्ट करने के लिए कुछ खराब चीज को टेस्ट करना भी। सो कमिंग ओवर टू नंबर थ्री देन, नंबर थ्री की अगर बात करें, जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर है, और अगेन जुपिटर और केतु जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जो जुपिटर वाले नंबर थ्री वाले लोग होते हैं, इनको हम कहते हैं दे आर द पीपल हु आर द नॉलेज बैंक। इतनी नॉलेज होती है इनमें, इतनी विजडम होती है, कहीं से कुछ भी पूछ लो इनके पास हर उस चीज़ का आंसर होता है। दे लाइक गाइड्स इन आर लाइफ, जो अच्छे टीचर्स हैं हमारे लाइफ में, दे यूजुअली नंबर थ्री। एक्सेलेंट टीचर्स तो हैं ही हैं, गाइड्स भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, नॉलेज भी हैं, सब इन वे कंप्लीट में एक कैसे थे नॉलेज बैंक है। अब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ट्रेड्स के साथ ईगो का आना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। तो इन लोगों को अगर अपना थोड़ा सा किसी पॉइंट का कमिंग ईयर में 2023 में अगर आप बात करें, जो केतु का ईयर है, केतु जो एक आध्यात्मिक नंबर है, प्लैनेट है, उसको अगर ईगो थोड़ी सी आके उसकी एनर्जी में आएगी तो केतु को अच्छा नहीं लगेगा, और इन वे वो आपकी एनर्जी डिप्लीट कर सकता है, आपकी एनर्जी कम कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कमिंग ईयर में आपने अपनी ईगो बीच में इंटरफेयर नहीं करने देनी, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस साल आपके लिए हो सकता है अगर आप अपनी ईगो का इंटरफेरेंस बीच में रहने देंगे तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ चाहते हैं कि स्मूथ रहे, चाहे करियर में, चाहे हेल्थ में, फाइनेंसिस में, रिलेशनशिप में, द ओनली थिंग यू हैव टू कीप असाइड इज योर ईगो। और अगर हेल्थ की बात करें कि थोड़ा सा लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकता है आपको तंग कर सकते हैं, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज आपको बॉदर कर सकते हैं, कुछ एनलार्ज लिवर की प्रॉब्लम आपको बता सकता है, तो उसके लिए आपने जो आप खा रहे हैं, जो आप डेली खाना खाते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट दैट। आपने लिकर, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल कमिंग ईयर में एटलीस्ट अवॉइड करना है, क्योंकि 2023 एक स्पिरिचुअल ईयर है। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ें हम इंटरफेयर करेंगे, उसको हम लाएंगे, तो केतु विल नॉट लाइक, तो किसी ना किसी तरह की वो टर्बुलेंस ला सकता है। और अगर आपको लगे कोई टर्बुलेंस लाई है, आपकी आई लाइफ में आई है, सिंपल सा तरीका है, आप बैठ जाइए 10 मिनट के लिए मैक्सिमम, किसी भी टाइम दिन के जब भी आप परेशान हो, आप एक येलो कलर की लाइट अपने आसपास इमेजिन करिए, और इमेजिन कीजिए येलो कलर की लाइट आपकी बॉडी, आपके थर्ड आई में, यहाँ पे इन बिटवीन योर आईब्रोज यहाँ एंटर कर रही है। यू विल ग्रेजुअली सी दैट यू विल ओपन योर आईज विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, यू विल हैव ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर फोर। नंबर फोर, ओ माई गॉड, इट्स एन अमेजिंग ईयर फॉर नंबर फोर दिस ईयर, क्योंकि जैसे एक नंबर फोर क्या है, नंबर फोर इज राहु, राहु इज ओनली हेड, एंड केतु इज नंबर सेवन विच इज रेस्ट ऑफ द बॉडी बिलो द हेड। इट मीन्स इफ आई कंबाइन द हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, आई गेट अ कंप्लीट पिक्चर, अ कंप्लीट थिंग। दैट इज नंबर फोर पीपल दिस ईयर, whatever the pending works are, whatever the pending jobs are, they are going to get accomplished this year because of the energy of number 7. Number 7 Ketu is going to complete them. Jaise kehte hai na ki ek dono jod ke ek saath, suppose this year usually number 4 and number 7, they are like, it's number 4 is Rahu, number 7 is Ketu. Usually logon ka manna hai Rahu Ketu aapas mein aate hain to bahut zyada turbulence hoti hai, वो बिल्कुल ठीक बात है, बट राहु और केतु एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। कैन यू, इज देयर एनी लाइफ, सपोज आप किसी इंसान का हेड अलग कर दो, यहाँ से चॉप कर दो और बाकी बॉडी अलग हो जाए, कैन द पर्सन सर्वाइव? आंसर मेरे जॉब, नो, ऑफ कोर्स नॉट। सो राहु एंड केतु, दो देयर लाइफ इज आर्गुमेंटेटिव, दो देयर लाइफ इज फुल ऑफ टर्बुलेंस, बट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर ऑल्सो। इट इज लाइक, यू नो, जो वही बात है, 4 और 7 अगर इकट्ठे हैं, साथ रह भी नहीं सकते और अलग रह भी नहीं सकते हैं। सो बिकॉज़ ये एक बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है कि साथ रहना भी मुश्किल है और अलग रहना भी मुश्किल है। बट दिस इज द फैक्ट ऑफ राहु एंड केतु, एंड स्पेशली दिस ईयर वो नंबर फोर, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर। अगर सपोज कोई एक नंबर फोर और नंबर सेवन आपस में मैरिड है, उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, this year it's going to be a very good year for them. Both of them will complement each other's energy to them.
क्योंकि दोनों को पता है कि मुझे इसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो दूसरा बोलेगा मैं भी नहीं रह सकता. दे विल एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स कि जो हमारी नेगेटिविटी है उसको हमने एब्जॉर्ब नहीं करना, उसको हमें अलग रखना है और हमें एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी डालनी है. दिस केतु विल हेल्प देम इन पुटिंग द एनर्जी इन राहु इन नंबर फोर. तो जो नंबर फोर के रहे हैं तो ये लोग बड़े एक्सट्रोवर्ट से होते हैं, देर आउटस्पोकन. इनको जो खुशियाँ मिलती हैं ना वो एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा मिलती हैं. सो उनको इनर, जब सपोज कोई कनेक्ट हो रहा है उनको लगता है कि ठीक है दैट इज़ ओके, बट आई वॉन्ट मटीरियल थिंग्स, पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों से नहीं होता है. सो सिंस जो नंबर सेवन है, आपको अपनी एनर्जी के साथ साथ आपकी जो राहु की एक्सटर्नल एनर्जी है, राहु की एक्सटर्नल एनर्जी के साथ साथ नंबर फोर वालों के लिए नंबर सेवन की इनर एनर्जी भी मिलेगी. इनर एनर्जी मीन्स आपको अपना कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी. जब आपकी इनर एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी के साथ कॉम्बैट करेगी, मिलेगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट. चाहे हम रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम फाइनेंसिस की बात करें, चाहे हम करियर की बात करें. सो दिस ईयर, द ईयर फॉर 2023 फॉर नंबर फोर इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग. बट थोड़ा सा अगर आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करें, राहु के लोगों की ना वो होता है माइंडसेट होता है, वो भटक जाते हैं. अभी एक काम स्टार्ट किया, चलो दूसरा करते हैं. सो विदाउट कंप्लीटिंग वन थिंग दे जंप इनटू अदर थिंग्स. देयर अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस, देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस. तो उनका छोटी सी एडवाइस है, अगर जो भी काम करें पूरे कंसंट्रेशन से करें तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी. और जो भी केतु के एनर्जीज हैं उनकी लाइफ के साथ, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी, उनके साथ रेजोनेट करेगी, तो अमेजिंग. सो लाइक वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी. और अगर कुछ भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने कहा है, तो नंबर फोर वाले लोग एक ब्लू कलर की लाइट अपने आसपास इमेजिन करें और ग्रेजुअली फील करें ये लाइट इनके यहाँ पे आईब्रोज के बीच में एंटर कर रही है. और 10 मिनट मैक्सिमम ऐसे बैठने से इनको लगेगा कि इनके क्वेश्चन जो हैं इनके लाइफ के इनको मिल रहे हैं और इनकी चीज़ें जो हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिक्स हो रही हैं. नंबर फोर के लिए अभी तक तो सबसे बेहतरीन ईयर लग रहा है. कुछ और भी नंबर्स हैं जिनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है रश्मि? आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा. राइट, बिल्कुल सही कहा रश्मि ने. अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर अभी ना आया हो. बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर. नंबर फाइव की अगर बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, नंबर फाइव मतलब जो लोग 5th, 14th या 23rd को किसी भी मंथ के बॉर्न हुए हैं वो नंबर फाइव कहलाते हैं. नंबर फाइव का रूलिंग प्लैनेट जो है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन. अगर आप नंबर फाइव हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड नंबर फाइव है, अगर आपको सपोज गॉड फॉरबिड कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, आपने उनके साथ शेयर किया और उन्होंने आपकी बात सुन भी ली और एक वर्ड भी उन्होंने अपने मुंह से निकाला ना, आपको लगा कि वाह भाई वाह, आज तो मुझे जन्नत मिल गई. सो दे आर सच गुड पीपल, एकदम से सेल्फलेस लोग जैसे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, दे आर वेरी ब्यूटिफुल सोल्स. उनको अपने लिए चाहे नुकसान करके भी किसी के लिए कुछ काम करना पड़े ना, चाहे उनको अपना भी किसी के लिए हेल्प करनी हो ना, चाहे उनका अपना खुद का नुकसान हो रहा हो, still they will not mind helping the other person. This is that particular category of number 5. To bilkul selfless, kuch bhi kisi bhi profession mein ye log jayenge, kahin pe bhi kaam karenge, specially agar wo profession speech se related hai, chahe wo ek psychiatrist hai, chahe wo koi counselor hai, chahe wo koi motivational speaker hai, teacher hai, ye log apne field mein bahut zyada excel karte hain. Jaise kehte hain na, inki zuban pe saraswati baithi hoti hai. जो भी बोलेंगे ये सबके लिए अच्छा बोलेंगे, सबकी बेटरमेंट के लिए बोलेंगे. टीचर्स हैं, दे ऑलवेज गाइड यू. मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे ऑलवेज मोटिवेट यू. साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, दे जस्ट एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी फ्रॉम यू एंड हेल्प यू गाइड व्हाट यू शुड डू. सो दे आर ऑल पीपल जो आपके लिए अच्छे के लिए हैं, आपके बेटरमेंट के लिए हैं. सो दे आर यूजुअली नंबर फाइव वाले जो लोग हैं इस फील्ड में हैं. बट अनफॉर्चुनेटली सबके लिए अच्छा करने के बाद भी यू नो, अगर स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा, चाहे स्टॉक्स में, गैम्बलिंग में, लॉटरी में, तो इनको मोस्टली हमेशा नुकसान ही होता है. सो दे हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि जो भी काम करें ये मेहनत के साथ करें, कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि जो इन्होंने काम करना है. शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे लोग, ऐसे लोग, इनको शॉर्टकट्स सूट नहीं करता. जो भी मेहनत करेंगे, जो भी एफर्ट्स करेंगे जिस फील्ड में भी, दे आर गोइंग टू बेनिफिट.
बट शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं इन्होंने. रिलेशनशिप्स में भी ये लोग इस एक्सटेंट तक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे कि भाई सामने वाला एटलीस्ट खुश रहे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. अपनी जो उनकी एनर्जी है, दे आर लाइक कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं खुश हूँ, सामने वाला खुश होना चाहिए. सो दैट इज़ देयर माइंड सेट. हेल्थ की अगर बात करें तो इनको कभी कभी हाइपर टेंशन वगैरह प्रॉब्लम्स बॉदर करती हैं, तो इनको अपना ब्लड प्रेशर वगैरह रेगुलर चेकअप्स करते रहना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन लोगों को नींद की बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये एक घंटा सोते हैं, दो घंटे जाग लेते हैं, फिर आधा घंटा सोएंगे, फिर दो घंटे जाग लेंगे. तो इनके स्लीप पैटर्न जो हैं बड़े अब्रप्ट होते हैं. तो दिस ईयर दे शुड मेक ई दे शुड हैव अ पीसफुल स्लीप सिंस दे हैव टू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी. नंबर सेवन, वो नंबर सेवन के साथ आप जब तक रेजोनेट नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद एक अंदर से पीसफुल नहीं हो. अगर आपके अंदर खुद ही टर्बुलेंस चलती रहेगी, खुद ही आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन पूरी नहीं है, इनफ नहीं है, तो आप नहीं. तो मेक श्योर यू गेट यू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप सो दैट यू व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर 10 मिनट्स अपनी किसी भी चैंटिंग के लिए, किसी भी डिविनिटी को आप ध्यान लगाने के लिए, तो आप अंदर से आपकी नींद पूरी होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर कुछ इन लोगों को लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में इनके बर्डन है, यूजुअली तो ये लोग कभी कंप्लेन करते नहीं हैं, अगर लगता है कि कुछ पानी सर के ऊपर से जा रहा है, सो दिस इज़ द ईयर इफ़ दे वांट दे कैन कॉल ऑफ देयर रिलेशनशिप. बिकॉज ये लोग कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमें इस रिलेशनशिप में पेन है या प्रॉब्लम है. बट इन केस देर इज़ समथिंग लाइक दैट फॉर विच दे हैव डिसाइडेड दे हैव टू मेक अ मूवमेंट, दिस इज़ द ईयर इन विच दे कैन यू नो मेक अ मूवमेंट, दे कैन मूव अहेड इन देयर लाइफ. तो करियर बहुत अच्छा जाएगा इन लोगों का, मैंने बता दिया. हेल्थ की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, फाइनेंसेस तो इन लोगों के जैसे ना सबकी ब्लेसिंग्स से आता है. इतने लोग ये करते हैं, भला करते हैं, तो अपने आप ब्लेसिंग्स इतनी आती हैं कि पैसा इनको ना कहीं से घूम फिर के नहीं भी आ रहा होता ना, वो अपने आप ही रास्ता बना लेता है. सो फॉर देम फाइनेंसेस इज नेवर अ प्रॉब्लम. सो ऑफकोर्स बट हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं जैसे मैंने पहले भी कहा. तो अगर कभी इनको लगे कि दे आर स्टक समवेयर, किसी चीज़ में फंस गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, इन्होंने अपने आसपास ग्रीन कलर की एक लाइट इमेजिन करनी है. और वो इमेजिन करनी है वो ग्रीन कलर की पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो नंबर फाइव की पॉजिटिव एनर्जी है, वो उनकी एनर्जी नंबर फाइव यहाँ उनकी थर्ड आई में एंटर कर रही है दिस एरिया. एंड ग्रेजुअली व्हेन दे विल ओपन देयर आईज दे विल सी दैट दे हैव आंसर्स टू ऑल देयर क्वेश्चंस एंड दे विल ओपन देयर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. ये छोटी सी कहानी थी नंबर फाइव के बारे में. ओके, सो कमिंग ओवर टू नंबर सिक्स. नंबर सिक्स की अगर बात करें तो अगर आप प्रचार, अगर आप कभी अपने किसी फ्रेंड से मिले एंड यू नो शी इज वेयरिंग द बेस्ट परफ्यूम, सो यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई. एंड इफ शी इज वेरी गुड लुकिंग आल्सो, यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई, ओह दिस गर्ल इज नंबर सिक्स. ओह रियली? ओह, ये नंबर सिक्स वालों की पहचान बता रही है रश्मि की. कैसे पहचाने नंबर सिक्स वालों को? नंबर सिक्स वालों का जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो है वीनस. इन लोगों की जब कुछ चीज़ें जो हमारी लग्जरी की हैं, जो हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हम अपनी कैटेगरी के लिए लग्जरी में डालते हैं, वो उन लोगों के लिए बेसिक नीड्स का काम करती हैं. सो लग्जरी फॉर अस इज अ बेसिक नीड फॉर देम. तो उनको लग्जूरियस लाइफ बहुत पसंद है, दे लव वेरी गुड परफ्यूम, दे वेरी गुड लुकिंग. And they have a passion for expensive material things. उनके लिए number seven है, जो number केतु है, it doesn't carry you know much of a meaning. So as we discussed earlier, obviously अगर आप material world में ज़्यादा inclined हैं, आप जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो भौगोलिकता में ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आप खुद से कहीं ना कहीं disconnect भी हो जाते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म तो दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. इनके लिए बस थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ एडवाइस है, अगर ये चाहते हैं इनकी लाइफ में नंबर सेवन का रोल पॉजिटिव आए, तो इनको थोड़ा सा देना सीखना होगा, एक ग्रैटिट्यूड पे करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, शेयरिंग करना सीखें. अगर ये वाले ट्रेट्स इन्होंने इस साल अपना लिए तो इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी. थोड़ी सी माइनर इंजरीज हो सकता है इनको बॉदर करें इस साल में, बट नथिंग मेजर इज गोइंग टू यू नो बॉदर देम. और अपने पैशन को ये जितना फॉलो करेंगे अपने करियर में, सपोज किसी का है पेंटिंग एक पैशन है और पेरेंट्स का प्रेशर है नहीं आप पेंटिंग एज ए करियर नहीं ले सकते, तो उसमें पेरेंट्स गलत प्रूव हो जाएंगे. अगर वो अपने नंबर सिक्स वाले अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उनका करियर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा.
और रिलेशनशिप में जितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उनकी लाइफ में उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, स्पेशली दिस ईयर, बिकॉज दे हैव टू गेट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं. जैसे मैंने पहले कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है आप घर बार छोड़ के हिमालयस पे चले जाए. आप अपने आप को समझिए, अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए, आपके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं उन पे इम्प्रोवाइज कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है. और जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेनिफिट करेंगे. स्टिल अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम है, आपको कुछ कहीं आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं, 20 बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर है आपके लिए, तो आपने एक वाइट या मल्टी कलर की लाइट अपने हेड के अराउंड इमेजिन करनी है. और वो लाइट आपने इमेजिन करनी है कि आप एक थर्ड आई में यहाँ पे एंटर कर रही है ग्रेजुअली एंड विद क्लोज्ड आईज यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस. जैसे ही आप इमेजिन करेंगे 10 मिनट के बाद यू विल फील दैट यू आर बेटर. जो आपकी अंदर टर्बुलेंस चल रही है वो टर्बुलेंस थोड़ी कम है. और व्हेन यू विल ओपन योर आईज अगेन यू विल ओपन अप विद अ गुड स्माइल. सो दिस वॉज नंबर 6. नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 तो इट्स यू नो द बेस्ट नंबर ऑफ द ईयर आई वुड से. नंबर 7 नंबर 7 के लोग कैसे होते हैं कि दे वेरी डीप थिंकर्स. कुछ भी उनको डिसीजन लेना है दे वोंट से नो और यस इमीडिएटली. दे विल थिंक अबाउट इट, दे विल रिसर्च इट. जब तक उनको खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होती ना, वो सामने वाले को यस या नो नहीं होते. पूरा परफेक्शन के साथ लाइक यू नो कहते हैं एवरीथिंग इन द हाउस आल्सो यू विल सी एवरीथिंग विल बी पिक एंड स्पैन, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. दे वेरी गुड पीपल इन द सेंस कि सब कुछ उनको लगता है कि हमारे उनके हिसाब से हो. पर प्रॉब्लम यही आ जाती है, वो अपनी उनकी क्वालिटी तो है कि दे आर द बेस्ट. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी उनके हिसाब से बेस्ट. सो इट बिकम्स अ कंट्रोवर्शियल. एक छोटी सी उनको एडवाइस है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ देम इज नॉट लाइक देम. इफ योर ट्रेट, योर पॉजिटिव क्वालिटी इज टू बी दैट यू good to everybody, you are a deep thinker, you are a deep researcher, everything you want to be organized, you like that, but the person right in front of you might not appreciate, that might not be his positive trait. So this is very important to understand. So one very interesting thing about number 7 is ki agar number 7 family mein ek bhi insaan hona, koi suppose 4 ya 5 ki ek family hai, number 7 usme se ek bhi koi insaan hona, wo family kabhi tootti nahi hai. It bonds. The number 7 will, you know, bond the family with its energy, with its love. You know, number 7 people believe in fixing things rather than breaking them or calling them off. Har cheez ko jod ke. Inka itna bada wo slang sa naam hai, inko jugadu bolte hain. Har cheez ka. Mujhe bahut acha lag raha hai sunke because I am number 7. तो ये कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करते. कोई भी चीज़, कोई किसी का फैमिली मेंबर का भी सपोज कोई एरोगेंट बिहेवियर है कुछ है, उसको समझाएंगे प्यार से, ये नहीं कि उसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. तो कोई चीज़ टूटी हुई घर में, कोई वेस्ट है, उसको दे विल ट्राई टू थिंक इसको मैं इसको फिक्स कैसे कर सकती हूँ, यूज़ कैसे ला सकती हूँ. सो दैट वे इंक्लिनेशन ना बड़ा ही पॉजिटिव होता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को फिक्स करते हैं ये. इनको ग्लू भी बोलते हैं, फेविक्विक भी बोलते हैं कोई लोग, कि दे फिक्स ब्रिंग पीपल टुगेदर. और फ्रेंड सर्कल में भी कहीं पे भी है, अगर आप रियलाइज करोगे नंबर 7 है तो नंबर 7 वाले लोगों की ना लोग बात सुनते हैं कि कोई प्रॉब्लम में है सपोज फ्रेंड्स में, तो दे लाइक लेट मी कनेक्ट टू दिस गर्ल और दिस बॉय. व्हाई? बिकॉज दे आर नंबर 7. वो उनको जोड़ के रखेगा सबका ना, जैसे झगड़ा होता है तो वो सबका एक सुलह कराने वाला जो इंसान होता है ना, दैट इज नंबर 7. सो बट एक नेगेटिव, एक चीज नेगेटिव कहूँ या जो पॉजिटिव भी है नंबर 7 के लिए, वो एट टाइम्स नंबर 7 वालों के लिए ये पॉजिटिव ट्रेट सामने वाले के नेगेटिव हो जाता है. दे एंजॉय देयर ओन कंपनी, उनको बाहर वाला कोई भी नहीं चाहिए, उनकी अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, दे हैव देयर ओन शेल और उसमें वो लोग बहुत खुश होते हैं. तो अगर आप सामने इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कई बार लोग आपको एरोगेंट सोचते हैं, आपको इगोइस्टिक समझते हैं, तो एक मिस इंटरप्रिटेशन, एक मिस कम्युनिकेट हो जाता है आपका बिहेवियर का ट्रेट. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए. आई नो यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, बट उसमें सामने वाले को भी अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू. हमें लार्जली ब्रॉडली 2023 में सबके लिए सोचना है. सो अगर हमारे लिए हम थोड़ा सा सामने वाले के लिए सोच के उसको इन्वॉल्व करके हम अपने लिए भी खुशी कर रहे हैं, सामने वाले के लिए भी खुशी कर रहे हैं, सो इन अ वे वी आर इनवाइटिंग ब्लेसिंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ्स. व्हाई नॉट देन? सो दिस
दिस इज इट. और थोड़ा सा 2023 में एंग्जाइटी से आपने अपने आप को बचा के रखना है. कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपनी रिलेशनशिप में कुछ भी अगर इशू है आपको तो कम्युनिकेशन इज द की टू योर सक्सेस. बात कीजिए, आप बोलिए. आप लोग शेयर नहीं करते हैं, नंबर 7 के लोग, तो जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप ओपन अप होंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है, जो कहते हैं ना, गांठें वो खुलती जाएंगी. यू विल गेट सोल्यूशन टू योर आंसर्स बाई जस्ट ओपनिंग अप. सो डोंट वेरी सीक्रेटिव, डोंट कीप थिंग्स अप टू यू. और जितना आप अपने आप को बोलेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, ओपन अप करेंगे, बी एन ओपन फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ ऑल्सो, थिंग्स विल बी वेरी गुड. करियर बहुत अच्छा है. जितना आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, कितना आप कनेक्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ, कुछ काम ऐसा करेंगे जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा सा एक उसका इंक्लिनेशन, उसका टच है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, तो उससे ज़रा सा भी आपका जो एनर्जी है काम की, अगर नंबर 7 के साथ रेजोनेट कर जाएगी तो मल्टीफोल्ड होगी. फाइनेंसिस विल बी गुड. करियर जैसे मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप भी बता दिया, हेल्थ का भी बता दिया कि एंग्जाइटी से थोड़ा सा बच के रहिए. सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. और अगर गॉड फॉरबिड फिर भी कुछ आपको लगे, कहीं परेशानी है किसी भी तरह की, तो एक छोटी सी वाइट लाइट अपने आसपास इमेजिन कीजिए और अब्सॉर्ब कीजिए केतु की पॉजिटिव एनर्जी को, एंटरिंग राइट हियर इन द मिडल ऑफ योर ब्राउज, एंड यू विल सी कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से एवेपोरेट हो रही हैं. आई एम गेटिंग आंसर्स टू ऑल माई क्वेश्चन, एंड वेन यू विल ओपन योर आईज यू विल ओपन अप विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी अबाउट नंबर 7. There are two more numbers. People are waiting कि 8 और 9 का क्या क्या रश्मि बताने वाली है. Number 8 जो है हमारा जो ruling planet है उसका है Saturn. Saturn जो है, Saturn वाले लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं. अगर उन्होंने आपको कोई एक बात कह दी तो वो एक पत्थर की लकीर की तरह है. It is more important. It is, you know, that value of that whatever they have spoken, that weighs more than any kind of promise or any kind of commitment also. Kisi written document se bhi zyada unki important hoti hai unki baat jo wo bolenge. So number 8 wale log do type ke hote hain, ya to ekdam topmost hote hain ya bilkul niche hote hain, unki struggle life hoti hai. There is nothing in between for number 8. They are responsible, bahut trustworthy hote hain, bahut mature hote hain. आप जैसे मैंने कहा कि आप इनकी आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो भी ये लोग बात कहते हैं जब तक वो बात पूरी नहीं कर लेते ना, उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस ये कहती है कि मैंने उसको बात कही है, वो काम कहा है करने के लिए, अभी मैंने किया नहीं है. तो जब तक वो काम ख़त्म नहीं करते हैं तब तक वो नेक्स्ट काम पे जंप नहीं करते हैं. और नंबर 7 का जैसे मैंने कहा केतु है, केतु जो है अपनी एनर्जीज पूरी स्ट्रेंथ देगा नंबर 8 के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो. और नंबर 8 वालों का इंटरेस्ट भी बहुत रहता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ. स्पिरिचुअलिटी वाले जो हैं अपने आप ही केतु से रेजोनेट कर जाएंगे. काफ़ी स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं ये लोग, तो स्ट्रक्चर, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, जब सब चीज़ें ट्रेट्स आ जाएँ तो नंबर 8 वालों के लिए ईयर इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. कुछ अगर इन्होंने चीज़ का ध्यान रखना है नंबर 8 वालों ने, वो है कि दे आर वेरी अब्रप्ट इन स्पीच. जो भी इनके माइंड में बात आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अगर अच्छी बात है तो सामने वाले को बहुत अच्छी लगेगी. अगर वो नेगेटिव बात अगर सामने वाले को बोली उन्होंने, वो द पर्सन फील्स बैड अबाउट इट. दे आर नॉट पॉलिश पीपल इन द सेंस कि उनको बिल्कुल नहीं, यू नो यू कैन से उसको रिवॉल्व नहीं कर सकते. दे आर नॉट एट ऑल डिप्लोमैटिक नहीं होते हैं. दे डोंट नो कि कैसे एक बात को बना के कही जाए. आई थिंक उनको नहीं आता है, जो उनके अंदर है वो बाहर एकदम से आ जाता है. तो इससे पॉजिटिव चीज़ों में तो चीज़ें फिक्स रहती हैं, ठीक रहती हैं, बट जहाँ नेगेटिव चीज़ की बात आती है तो सामने वाला थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम ऑफकोर्स अनकम्फर्टेबल हो जाता है. तो अगर कभी भी नंबर 8 वाले किसी प्रॉब्लम में आए तो उनके लिए छोटा सा एक टिप है कि आपने एक ब्लू लाइट अपने आसपास इमेजिन करना है, और इमेजिन करना है कि ब्लू लाइट की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके थर्ड आई में एंटर कर रही है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो अपने आप इस थर्ड आई, इस एनर्जी से आप पूछ सकते हैं, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और आपको आंसर्स उसके ज़रूर मिलेंगे. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट नंबर 8. लेट्स कम टू नंबर 9. नंबर लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट. एग्जैक्टली. So last number 9, yani ki just as I've already said, they are 9, 18 or 27th of any month. So their ruling planet is Mars, and number 9 is my favorite. They are such darling people.
इनकी अगर नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो नेगेटिव ट्रेट बहुत ही मिनिमम होते हैं, वो इनकी स्टबननेस। ये छोटी छोटी बात पे कई बार इरिटेट हो जाते हैं, जो चीज़ इनको पसंद नहीं है, बट वो एक छोटा सा पॉइंट है। जो मेजर इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, ये लोग खाली नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है करने के लिए। दे आर वेरी मैग्नेटिक, अगर आप वेरी मैग्नेटिक स्पेशली टू द ऑपोजिट सेक्स, अगर कोई मेल है नंबर 9 का, दैट नंबर 9 मेल विल हैव मोर ऑफ अ फीमेल फ्रेंड्स, एंड सिमिलरली अगर कोई फीमेल है नंबर 9 की, शी इज गोइंग टू हैव मोर ऑफ अ male friends. So they're very helpful people. They will help the person in front, out of the way जाके भी help करते हैं, बहुत convincing होते हैं। अगर मैंने कोई कहा ना color ये red है और number 9 ने बोल दिया कि नहीं ये number black है, वो किसी ना किसी रास्ते आपको घुमा फिरा के वो प्रूव करके ही रहेंगे कि ये number red जो है red नहीं है, number black है। They're highly convincing. कुछ भी ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं ये number 9 आपके, and actually come into and fall in that trap. अच्छा भाई, यू आर राइट, वी अग्री टू यू, एंड इट इज नॉट दैट अनहैप्पीली और अनविलिंगली आप कर रहे हैं, यू हैप्पीली एक्सेप्ट दैट व्हाट दे आर सेइंग इज राइट, बिकॉज दे हैव सच हाई कन्विंसिंग पावर्स, दे सच मैग्नेटिक पीपल। और इनके फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज्यादा होता है, एंड दे आर लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू अ पार्टी। अगर नंबर 9 सपोज किसी पार्टी पे नहीं गए, मिस कर दिए उन्होंने, पीपल विल कॉल देम, व्हाई डिड यू नॉट कम, व्हाई डिड यू नॉट मेक इट the party. So it's the they are like the center of attraction for any party. So number 23 की बात करें तो केतु महाराज जो हैं हमारे थोड़े से ढीले हैं, he's a slow, और number 9 की energy का it's a spark, it's like this, and केतु is like धीरे 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 snail pace. Snail pace जैसे आएगा ना तो इनको लगेगा कि हम भी अगर negative traits आ रहे हैं अगर केतु के, there might be little laziness, उनको लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मेरी स्पीड क्यों नहीं अंदर से आ रही, मैं लेजी क्यों हो रहा हूँ, तो उनको अंदर से लगेगा कि मेरा मन क्यों नहीं काम कर रहा, बिल्कुल मन क्यों नहीं कर रहा काम करने का। सो फ्रॉम इनसाइड देर विल बी रेस्टलेसनेस फॉर देम, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल रहा काम करने के लिए, क्यों मेरे को लेजीनेस आ रही है, दिस इज नॉट माई नेचर। सो केतु महाराज विल कम इन विद दैट स्नेल पेस एंड यू नो एंटर इन टू देयर नेचर एंड ग्रेजुअली दिस माइट हैपन। सो इन लोगों को ध्यान रखना है, जो इनके गोल्स हैं, जो इनका एम्स हैं, उस पर इन्होंने डीमोटिवेट, वहाँ से डाइग्रेस नहीं होना, वहाँ से अपनी अटेंशन स्पैन नहीं हटानी, फोकस नहीं हटाना है, अपने उसी स्पीड से अगर ये काम करते रहेंगे तो बहुत इनके लिए अच्छा होगा। और इनके इस रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सिंगल हैं तो आप ये एडवाइजेबल है कि इस ईयर आप अपना सोलमेट को नहीं अगर ढूंढेंगे, नहीं कनेक्ट होंगे तो इट विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। किसी तरह की वह डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए बेसिकली इस ईयर में, ये डिस्ट्रैक्शन अगर उसको मिल जाएगी ना नंबर 9 को, वो अंदर से रेस्टलेस हो जाएगा, जब अंदर से रेस्टलेस होगा तो उनकी जितनी भी इनपुट है ना वो इनपुट मिनिमल होती जाएगी, इनपुट कम होगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो इरिटेशन बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर 9 को संभालना। Your house also number 9 and you will see their irritability. छोटी सी बात पे भी irritation होगी ना, it becomes difficult for you to handle that irritation. तो कोशिश करो उनको irritating मत होने दो. और अगर in case they are irritated, उनके लिए calm down करने के लिए क्या तरीका है, simple सा, उनको बोलो अपने आसपास एक brick red color की, dirty orange color जैसे होता है, मिट्टी वाला orange color, जो ईंट होती है, ईंट का color है, उस color की light अपने आसपास imagine करो 10 मिनट के लिए क्लोज आई से, एंड फील दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस ब्रिक रेड कलर इज एंटरिंग योर थर्ड आई, एंड ग्रेजुअली यू विल बी काम, यू विल बी यू नो हैप्पी, यू विल बेनिफिट, यू विल गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स फ्रॉम नंबर 1 to 9, एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल विल बेनिफिट। आप लोग जो छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, जो ट्रेट्स किए हैं, अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, और जो छोटी सी एक रेमेडी आपको बताइए, आप उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करेंगे, और फर्स्टली आई प्रे कि आपकी लाइफ में कोई टर्बुलेंस नहीं आए, 2023 आपके लिए बहुत ही स्मूथ रहे, खुशियों के साथ रहे, आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपके फाइनेंसेस ठीक रहे। बट 1% अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई टर्बुलेंस आए तो ये छोटी सी रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये जो छोटा सा चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, आप इससे जल्दी ही इवॉल्व होंगे।
थैंक यू सो मच रश्मि, आपने बहुत तसल्ली से एक एक नंबर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, ट्रेड्स और उनके लिए प्रेडिक्शंस और टिप्स भी दी। थैंक यू सो मच। आई थिंक इस पूरे सेशन का सार अगर हम देखें, बी गुड टू योरसेल्फ, बी गुड टू अदर्स एंड फाइंड द गुड अराउंड यू, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बींग स्पिरिचुअल। आप इस तरीके से भी अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एंड प्लस व्हेन इट इज फॉर योर बेटरमेंट, व्हाई नॉट? Yes. You can make life better by doing good to others, by doing good to you, by connecting to spirituality, by connecting to alternative sciences, astrology. अगर आप ये वीडियो भी कोई देख रहा है ना, ये that person will also going to benefit. ये कोई coincidence नहीं है कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है. This is again planned by the universe that this person would be watching this particular video, this particular moment and will be benefiting. So सारी ये जो plannings है ना, universe की supreme divine. This we cannot understand. It is all predestined. बिल्कुल, the universe conspires like they say to make things happen. बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस prediction के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शक जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स मिली होंगी, उनका नंबर जो भी हो, और 2023 सबके लिए अच्छा रहे, इसी कामना के साथ अभी वक्त है गुड बाय का, लेकिन देखते रहिए अच्छी खबर, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी खबरें, ऐसी चीजें, ऐसी बातचीत जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो। थैंक यू सो मच। साथ ही चलने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। इसके अलावा आप हमें सोशल हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी सेलिब्रिटी से या किसी शख्स से चाहते हैं हम बातचीत करें, तो जरूर इसका सुझाव भी आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।